हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डीआरएक्स दीपक फार्मा। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, लिनिमेंट्स एंड लोशन के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप बी फार्मेसी या डी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह जो मैं इस वीडियो में जो क्वेश्चन या जो टॉपिक बताने वाला है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, 10 मार्क्स और 5 मार्क्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों आप फार्मेसी के स्टूडेंट है और आपको फार्मास्यूटिक्स की स्टडी करनी है फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के लिए, तो आपके लिए बेस्ट बुक है आर एम मेहता फार्मास्यूटिक्स की बेस्ट बुक होती है। आप उससे स्टडी करें अपने प्रिपरेशन के लिए सेमेस्टर एग्जाम के। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन लिनामेंट एंड लोशन। दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको डिफाइन करिए दोनों को और उसकी एग्जाम्पल बताएं, उसके बाद डिफरेंस बताएं दोनों के बीच में। इससे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखता है और इससे आप एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लिनामेंट्स एंड लोशन क्या होता है। लिनामेंट्स, दीज आर लिक्विड्स और सेमी लिक्विड प्रिपरेशन डेट आर अप्लाइड टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। तो लिनामेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेमी लिक्विड प्रिपरेशन है जो अप्लाइड किया जाता है स्किन में विद फ्रिक्शन के साथ। तो जैसे इसको कैसे एग्जाम्पल लिख सकते, स्किन फॉर द बॉडी, मतलब आप रबिंग के साथ अपने स्किन में अप्लाई करते हो, उसको लिनामेंट्स बोलते हैं। और लोशन क्या होता है दोस्तों, तो अब लोशन को समझते हैं। लोशन क्या है, एक तरह का लिक्विड प्रिपरेशन होता है। इसको हम यूज कहाँ करते हैं, एक्सटर्नली और विदाउट फ्रिक्शन, इसमें बिना फ्रिक्शन आपको रबिंग नहीं करने की जरूरत पड़ती है लोशन में। जैसे केलामाइन लोशन, देखोगे दोस्तों हेयर में स्किन में आप लोशन अप्लाई करोगे आराम से लग जाएगा। बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में केलामाइन लोशन आप लोग बनाओगे, क्योंकि इसका एक प्रैक्टिकल भी है, तो आप वहाँ पे आप सीखोगे कि केलामाइन लोशन कैसे बनाते हैं, तो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा सूटिक सब्जेक्ट पढ़ने में। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं लिनामेंट एंड लोशन के बीच में डिफरेंस। तो सबसे पहले लिनामेंट्स क्या, एक तरह का लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो मिंट फॉर अप्लाई टू द अनब्रोकन स्किन। तो देखिए दोस्तों, एक तरह क्या है, सेमी सॉलिड और लिक्विड प्रिपरेशन होता है। इसको हम अप्लाइड कहाँ करते हैं, अनब्रोकन स्किन में। लेकिन लोशन क्या है, एक तरह का डाइल्यूट एक्वा सॉल्यूशन होता है और सस्पेंशन होता है, जिसको हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल अप्लीकेशन टू द बॉडी फॉर ब्रोकन स्किन। यह क्या अनब्रोकन स्किन के लिए होता है, और ये क्या होता है, ब्रोकन स्किन में अप्लाई होता है लोशन। जैसे अभी दोस्तों ठंड का समय चल रहा है, तो जैसे आप लोग लोशन अप्लाई करोगे अपनी स्किन में, तो आपकी स्किन अच्छी दिखेगी। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ बाम। तो जैसे लिनामेंट्स में क्या आता है, सबसे ज़्यादा बाम आता है जो कैरी मेडिसिन होता है, लेकिन जो लोशन होते हैं वो सबसे ज़्यादा टाइप ऑफ कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते, तो दे आर अप्लाई टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग ऑन द स्किन। तो आप इसे अप्लाई करेंगे अपने स्किन पे, तो फ्रिक्शन के साथ और रबिंग के साथ। लेकिन जो ये लोशन होता है, इसको आप बिना रबिंग के साथ अप्लाई करना होता है, विदाउट फ्रिक्शन। दिस शुड नॉट बी अप्लाई टू द ब्रोकन स्किन, ये अप्लाइड नहीं होता है ब्रोकन स्किन में, लेकिन ये अप्लाइड होता है ओवर दी ब्रोकन स्किन। और जो लिनामेंट्स होते हैं ये प्रिपेयर होते हैं वाइली बेसिस से, लेकिन जो ये लोशन होते हैं ये प्रिपेयर होता है हमारा एक्वा और वाटरी बेस से। जो हमारा लिनामेंट्स होता है वो कंटेन करते हैं कैम्फर यानी दोस्तों कपूर। तो जो हमारे लिनामेंट्स होते हैं वो कंटेन करते हैं कैम्फर, लेकिन जो लोशन होते हैं वो कंटेन करते हैं कैम्फर, वो कंटेन नहीं करते कैम्फर। ठीक है दोस्तों, लिनामेंट्स जो होते हैं वो क्या होता है, मोर विस्कस होता है, लेकिन जो हमारा लोशन होता है वो लेस विस्कस होता है देन लिनामेंट्स। तो दोस्तों, इसके बीच में मैंने 6-7 पॉइंट डिफरेंस बताए हैं। अगर आप इसको लिख के आते हो और इसके साथ एक डिफाइन और एग्जाम्पल इसी तरह लिख के आते हो, तो एक अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो अपने एग्जामिनेशन में। 5 मार्क्स के लिए इतना दोस्तों इनफ है। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड्स।